अमेठी में अधिवक्ता की पिटाई के मामले में हाईकोर्ट ने तत्कालीन एसपी समेत 7 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने एसपी समेत 7 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ता राघवेंद्र द्विवेदी को लॉकअप में बंद कर उसकी जमकर पिटाई की थी और पिटाई में घायल अधिवक्ता का कई दिनों तक ट्रोमा सेंटर में इलाज चला, जिसके बाद पीड़िता की पत्नी ने आरोपी एसपी समेत 7 लोगों के खिलाफ कोर्ट गई थी। हमको जो बाजार सुकुल थाने से लेके आए, सीएससी बाजार सुकुल में जो अस्पताल है वहाँ मेडिकल करवाए, मेडिकल करवाने के बाद हमको लेके आए। जब कादू नाला के पास आए, किसी को फोन करके बोले कि मैं जल्दी आ रहा हूँ, मोहर लगाना है, कंप्यूटर ठीक करके रखना है। उसके बाद जो है अस्पताल यहाँ मुसाफिर खाना कोतवाली आए, कोतवाली में आए तो फिर हमको कुछ देर गाड़ी बैठाए रहे। उसके बाद हमको अंदर कहे चलिए कंप्यूटर कक्ष में ले गए। कंप्यूटर कक्ष के अंदर एक शौचालय बना हुआ है, वहाँ ले गए और वहाँ जो है दो लोग हाथ पकड़ के, कभी जो है देवेश और पुष्पराज हाथ पकड़ते थे तो दरोगा जी मारते थे, कभी दरोगा जी पकड़ते थे तो वो मारते थे दो लोग। एक होमगार्ड था, दो अज्ञात, मतलब उनको पहचान सकते हैं, सिविल वर्दी में थे, और 5 लोग हमारी चौकी के सिपाही थे और बुरी तरह से मारे। उसके बाद जो है निकल गए सिपाही मारने के बाद, जब हाँपने लगे तो वो आए दरोगा जी, कहा साले को इसको मारने की जरूरत नहीं, इसको एक्सीडेंट का रूप दे देते हैं आज। और हमको तो है उसी पटक दिए, देखिए ये खून बह रहा। ये आपका कुछ सामान लिए थे? सामान हमारे पास 25,000 रुपए थी, 500 की नोट तोड़वाया था और उसके बाद 24,500 5,500 की नोट थी, बाकी फुटकर था। और उसके बाद जो है 2 मोबाइल, एक एंड्राइड था और एक वो था, एक सिकड़ी थी। अब वो सब कहाँ है हमको पता नहीं। वहीं पुलिस कर्मियों पर मामला दर्ज होने के बाद पीड़िता के परिजनों ने खुशी जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब देखना होगा कि पीड़ित अधिवक्ता को कब तक न्याय मिल पाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमेठी से शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट।